वीगन मूसली बनाने के लिए हमने 100 ग्राम अमरंथ लिया है और 100 ग्राम ओट्स लिए हैं। इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को हम अलग अलग तब तक भुनेंगे जब तक ये गोल्डन नहीं हो जाते। ओट्स और अमरंथ को आप एक अलग बर्तन में निकाल लीजिए। अब मूसली को मीठा करने के लिए हमने गुड़ का सिरप बनाया है। आप चाहें तो इसमें गुड़ डाल सकते हैं, चाहें तो इसमें चीनी डाल सकते हैं या मेपल सिरप डाल सकते हैं। गुड़ का बनाया हुआ जो सिरप है उसके अंदर हमने एक कटोरी मखाने और मुरमुरे डाल दिए हैं और उनको अच्छी तरह से हिला लिया है ताकि वो दोनों चीज़ें अच्छी तरह से मिल जाएं। एक हम बड़ी कढ़ाई लेंगे, उसको हल्के सेक पर गरम कर लेंगे और उसमें हम भुने हुए अमरंथ, ओट्स और जो ये मिक्सचर है गुड़ का बना हुआ वो भी डाल देंगे। इन सब चीज़ों को हम हल्के मीडियम सेक पर तब तक हिलाते रहेंगे जब तक आपकी मूसली क्रंची नहीं हो जाती। अगर आपको अपनी मूसली में नारियल पसंद है तो नारियल के गोले को बारीक बारीक काट कर इसमें डाल लीजिए। इस बात का खास तौर पर ध्यान रखिएगा कि आपका जो ये सेक है इस समय कढ़ाई के नीचे वो मीडियम से ऊपर ना जाए, नहीं तो ये मूसली जिसमें अभी हमने गुड़ ऐड कर दिया है वो जलना शुरू हो जाएगा। जब मूसली अच्छी तरह से क्रंची हो जाए तो उसमें जो भुने हुए ओट्स हैं वो ऐड कर दीजिए। आप चाहें तो ओट्स, अमरंथ और जो गुड़ का मिक्सचर है उसे इकट्ठे भी मिक्स कर सकते हैं। हमने ओट्स सिर्फ बाद में इसलिए डाले क्योंकि हमारी मूसली की मात्रा काफ़ी ज़्यादा थी। जब आपकी मूसली तैयार हो जाए तो उसमें आप अपना मनपसंद कोई भी सीड्स जैसे कि फ्लैक्स या सेसमे ऐड कर सकते हैं या आपका कोई भी मनपसंद ड्राई फ्रूट हो वो भी डाल सकते हैं। इस मूसली को आप एक एयरटाइट डब्बे में स्टोर कर रख सकते हैं। ये लगभग 3 महीने तक फ्रेश रहती है। आप इसे अपने फ्रूट बोल के साथ या किसी भी प्लांट बेस्ड मिल्क के साथ सुबह नाश्ते में खा सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी है और बहुत ही स्वादिष्ट है।